स्वागत है आप सभी का टेक्निकल टेक के एपिसोड नंबर 5 में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अरविंद कुमार, आप देख रहे हैं टेक्निकल टेक। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला जो अपडेट निकल कर आता है वो आता है रियलमी एक्स टू को लेकर। तो भैया रियलमी ने अपना रियलमी एक्स टू स्मार्टफोन चाइना में लॉन्च कर दिया है। इस स्मार्टफोन में 4 कैमरों का सेटअप देखने को मिलेगा। इसमें से पहला जो कैमरा है वो है 64 मेगापिक्सल का और बाकी के जो 3 कैमरे हैं अभी इसको लेकर कोई विशेष जानकारी सामने नहीं आई है। लेकिन ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि इस कैमरे में भी आपको रियलमी एक्स टू वाले जो कैमरे हैं, यानी जो कैमरे रियलमी एक्स टू स्मार्टफोन में हैं, वही कैमरे आपको रियलमी एक्स टू स्मार्टफोन में भी देखने को मिल सकते हैं। अगर हम इस फ़ोन के सेल्फी वाले कैमरे की बात करें तो इसमें आपको 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा जो है वो देखने को मिल सकता है। और फिलहाल रियलमी एक्स टू स्मार्टफोन जो है वो इंडिया में रियलमी एक्स टी 730G के नाम से लॉन्च होगा। फिलहाल इसकी जो लॉन्चिंग है इंडिया में वो हो सकता है हमें दिसंबर महीने में देखने को मिल जाए। अगला जो अपडेट है वो है MI टेलीविज़न को लेकर। तो भैया Xiaomi ने अपने 4 नए टेलीविज़न को इंडियन मार्केट में लॉन्च कर दिया है। और MI का जो टेलीविज़न है ये है MI TV 4X 65 इंच, 50 इंच, 43 इंच और 40 इंच। अगर हम MI के इन टेलीविज़न की बात करें तो MI ने अपने इन चारों ही टेलीविज़न के जो पैच वाल हैं इनको नेटफ्लिक्स सपोर्ट के साथ अपग्रेड किया है। और साथ साथ अगर हम बात करें MI के 65 इंच वाले मॉडल के स्पेसिफिकेशन की, तो ये जो MI का 65 इंच वाला जो टेलीविज़न है ये एंड्रॉयड पाई 9.0 पर आधारित इसका जो पैच वाल है वो 2.0 पर रन करता है। अगर हम बात करें इस टेलीविज़न के जो बेजल है तो इसमें 0.43 इंच के बेजल जो है वो आपको नज़र आएगा, यानी आपको स्क्रीन के साथ बहुत ही कम मात्रा में बॉडी जो है वो दिखाई देगी। ठीक इसी तरह से ये जो MI का जो 65 इंच वाला जो टेलीविज़न है इसमें आपको मिलेगा 4K अल्ट्रा HD डिस्प्ले और इसका रेजोल्यूशन होने वाला है 3840x2160 पिक्सल। प्राइस की नज़र से ये जो टेलीविज़न है ये आपको मिलेगा 54,999 रुपये में। तो एक चीज़ तो यहाँ पर कन्फर्म है कि प्राइस के हिसाब से MI ने अपने इस टेलीविज़न को बहुत ठीक ठाक रेंज पर जो है वो लॉन्च किया है। अगला जो अपडेट है वो है Vivo Nex 3 और Nex 3 5G स्मार्टफोन के लेकर। तो भैया Vivo ने अपने इन दोनों ही स्मार्टफोन को चाइना में लॉन्च कर दिया है और हो सकता है कि अगले महीने तक इंडिया में भी Vivo इस स्मार्टफोन को लॉन्च कर दे। फ़ोन के अगर हम स्पेसिफिकेशन और फीचर की बात करें तो फ़ोन में काफ़ी कमाल के आपको फीचर जो है वो देखने को मिलेगा। इन दोनों ही फ़ोन में आपको कर्व वाटरफॉल डिस्प्ले देखने को मिलेगी और इसका स्क्रीन टू बॉडी रेशियो जो होने वाला है वो होगा 99.96%, यानी आपको 0.4% ही आपको स्क्रीन के साथ बॉडी जो है वो नज़र आने वाली है। अगर हम फ़ोन के प्रोसेसर की बात करें तो इसमें आपको देखने को मिलेगा 2.96 GHz का क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 855 प्रोसेसर, जो कि काफ़ी कमाल की चीज़ यहाँ पर देखने को मिलेगी। और साथ ही साथ अगर हम इनके रियर कैमरों पर नज़र डालें तो इसमें आपको 3 कैमरों का सेटअप देखने को मिलेगा, जिसमें से पहला कैमरा होगा 64 मेगापिक्सल का f1.7 एपर्चर के साथ, प्लस 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा होगा 120 डिग्री सेंसर के साथ। और ठीक इसी तरह से 13 ही मेगापिक्सल का इसमें टेलीफोटो सेंसर कैमरा भी आपको देखने को मिलेगा। और ये जो तीनों ही कैमरे हैं ये एक सर्किल में अरेंज होंगे आपके फ़ोन के बैक साइड में। फ़ोन के अगर हम सेल्फी कैमरे की बात करें तो इसमें आपको देखने को मिलेगा 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा 2.0 एपर्चर के साथ। अगर हम फ़ोन के सेंसर की बात करें फिंगरप्रिंट सेंसर की, तो ये फिंगरप्रिंट सेंसर है ये आपको दोनों ही फ़ोन के डिस्प्ले के अंदर ही आपको देखने को मिलेगा। वहीं ये दोनों ही जो फ़ोन है ये 4500 mAh की बैटरी के साथ लेस होगी। तो बैटरी के मामले में जो फ़ोन है ये काफ़ी पावरफुल होने वाला है। तो एक चीज़ तो यहाँ पर भैया कन्फर्म है कि वीवो के जो दोनों ही मॉडल हैं ये स्टाइल और देखने के मामले में काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश होने वाले हैं। अगला जो अपडेट है वो है MI की तरफ से। तो भैया यहाँ पर एक बार फिर से MI ने इंडियन मार्केट में कुछ अलग किया हुआ है। MI ने अपना वाटर प्यूरीफायर इंडिया में लॉन्च कर दिया है। MI के जो वाटर प्यूरीफायर है ये RO+UV टेक्नोलॉजी पर काम करते हैं। इन वाटर प्यूरीफायर की सबसे बड़ी खास बात यह है कि इसमें फ़िल्टर रिप्लेसमेंट काफ़ी आसान रखा गया है, यानी इसमें कुल 4 फिल्टर का यूज़ किया गया है और ये जो चारों फिल्टर हैं इसको यूज़र अपने घर पर खुद से ही रिप्लेस कर सकते हैं। MI के इन प्यूरीफायर में रियल टाइम मॉनिटरिंग और 2 सेंसर का यूज़ किया गया है, जिससे यूज़र जो है वो पानी की गुणवत्ता को रियल टाइम पर मेज़र कर पाएंगे। और साथ ही साथ इसकी जो प्राइस रखी गई है वो रखी गई है 3,999 के आसपास और इसकी जो बिक्री है वो फ्लिपकार्ट पर 29 सितंबर से स्टार्ट होगी। तो अगर आप इस वाटर प्यूरीफायर को परचेज करना चाहते हैं तो 29 सितंबर तक इसको वेट करना होगा। अगला जो अपडेट है वो है KTM ड्यूक को लेकर। तो भैया ऑस्ट्रेलियाई कंपनी KTM अपनी KTM ड्यूक 790 को 23 सितंबर को एक लंबे वक्त के बाद इंडिया में लॉन्च करने जा रही है। इस बाइक की जो प्री ऑर्डर की जो बुकिंग है
वो स्टार्ट हो चुकी है और इसकी जो राशि तय की गई है वो रखी गई है 30,000 रुपये। यानी 30,000 रुपये जमा कराकर आप इसकी प्री बुकिंग जो है वो ले सकते हैं। अगर हम इस बाइक के स्पेसिफिकेशन पर नज़र डालें तो इसमें मिलता है 799 cc का पैरेलल ट्विन इंजन, जो कि काफ़ी पावरफुल इंजन है और ये 103 bhp और 86 nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। इस बाइक में 6 गियर बॉक्स का सेटअप आपको देखने को मिलेगा। वहीं अगर हम इसके ब्रेकिंग सिस्टम की बात करें तो इसके अगले पहिए में आपको 300 mm का डुअल डिस्क ब्रेक और पिछले पहिए में आपको 240 mm का सिंगल डिस्क ब्रेक देखने को मिलेगा। अगर हम इस बाइक की इंडिया में एक्स शोरूम प्राइस की बात करें तो ये प्राइस हो सकती है लगभग 8 लाख रुपये। तो प्राइस के मामले में KTM जो बाइक है वो काफ़ी महंगी बाइक होने वाली है। अगला जो अपडेट है वो है सैमसंग गैलेक्सी M30s को लेकर। तो भैया सैमसंग ने अपना गैलेक्सी M30s स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च कर दिया है। इस स्मार्टफोन की बात करें तो ये M30 का ही एक अपग्रेडेड वर्जन है। इस फोन में आपको मिलता है 6.40 इंच का सुपर ओलेड डिस्प्ले प्लस सैमसंग एक्सिनोस 9611 प्रोसेसर। फ़ोन की अगर हम बैटरी की बात करें तो इसमें आपको देखने को मिलेगी 6000 mAh की बैटरी। तो बैटरी के मामले में जो फ़ोन है काफ़ी सॉलिड होने वाला है। अगर हम फ़ोन के वेरिएंट की बात करें तो ये फ़ोन आपको मिलेगा 64 GB 4 GB रैम प्लस 128 GB 6 GB रैम के साथ। अगर हम फ़ोन के कैमरे पर नज़र डालें तो इसमें आपको 3 कैमरों का सेटअप जो है वो देखने को मिलेगा, जिसमें से पहला कैमरा होगा 48 MP का मेन कैमरा प्लस 8 MP का सुपर वाइड एंगल कैमरा और 5 MP का डेप्थ सेंसर कैमरा होगा जो कि डेप्थ को मेजर करेगा। वहीं सेल्फी के लिए फ़ोन में 24 MP का कैमरा दिया गया है जिसका अपर्चर f2.0 है। अगर हम फ़ोन के सबसे पावरफुल चीज़ की बात करें तो इस फोन में सबसे अच्छी चीज़ जो लगी है वो ये लगी है इसकी बैटरी, क्योंकि इस फोन में आपको मिलती है 6000 mAh की बैटरी। अगला जो अपडेट है वो है चंद्रयान 2 को लेकर। तो भैया अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा लैंडर विक्रम से संपर्क स्थापित करने के लिए अपना ऑर्बिटर लूनर क्राफ्ट का यूज कर रही है। नासा का जो लूनर क्राफ्ट है ये चंद्रमा के उस हिस्से से गुजरेगा जहां पर लैंडर विक्रम की हार्ड लैंडिंग हुई थी, और साथ साथ ये जो ऑर्बिटर है नासा का ये लैंडर विक्रम की इमेज को कैप्चर करेगा और साथ साथ उससे संपर्क स्थापित करने की कोशिश भी करेगा। उसके बाद जो भी जानकारी मिलेगी उसको नासा के पास शेयर करेगा और बाद में नासा इस जानकारी को इसरो के साथ जो है वो शेयर करेगा। तो सबको अभी उम्मीद यही है कि कोई अच्छी खबर जो है वो बहुत जल्द से जल्द जो हमें देखने को मिल जाए। वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।